सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पुलवामा में आत्मघाती हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर स्ट्राइक में खास मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद से दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बल जो हथियार इस्तेमाल करते हैं उसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी माना जाता है। सबसे मजबूत होने के नाते ये दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करती है। जिन खतरनाक गन और बंदूकों की वजह से भारतीय सेना सबसे शक्तिशाली मानी जाती है उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। नंबर वन, पिस्टल ऑटो 9mm1A। पिस्टल ऑटो 9mm1A को भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसे व्यापक रूप से भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस बलों में सर्विस हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये सेमी ऑटोमेटिक और सेल्फ लोडिंग पिस्टल होती है जिसमें 9x19mm गोली इस्तेमाल की जाती है। इसकी मैगजीन में 13 राउंड गोली चलाने की क्षमता होती है। इसका निर्माण राइफल फैक्ट्री ईशापुर में होता है। नंबर टू, एनसॉस राइफल। एनसॉस राइफल का इस्तेमाल आर्मी के साथ ही अन्य सशस्त्र बल भी करते रहे हैं। इसका पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है। इसका कैलिबर 5.56mm का है। इसका डिजाइन AK-47 की तर्ज पर किया गया है। इसे सबसे पहले 1998 की गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित किया गया था। 1999 के कारगिल युद्ध में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। हालांकि एनसॉस राइफल का उत्पादन 1997 में ही शुरू हो गया था। ये अन्य हथियारों की तुलना में हल्का और रिक्वायर एनर्जी कम होने के कारण हैंडलिंग और फायरिंग करने में आसान है। नंबर थ्री, AK-203 राइफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी में आधुनिक क्लासिनिकोप 203 राइफल्स के निर्माण के लिए बनी आयुध कारखाने का उद्घाटन किया था। AK-203 राइफल्स का इस्तेमाल आतंकियों और नक्सलियों से निपटने के लिए किया जाएगा। ये राइफल एनसॉस राइफल की जगह लेगी। AK-203 राइफल रूस की कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही बनेगी। AK-203 राइफल AK-47 सीरीज का ही एडवांस वर्जन है। इसकी मैगजीन में 30 गोलियां आएंगी। ये एनसॉस राइफल के मुकाबले बहुत ज्यादा हल्की और छोटी होगी। इससे एक सेकंड में 10 गोलियां चलेगी। इससे एक मिनट में 600 गोलियां मारी जा सकेंगी। नंबर फोर, AKM असॉल्ट राइफल। AKM असॉल्ट राइफल की तकनीक रूस से आयातित है। ये AK-47 का एडवांस और इम्प्रूव वर्जन है। ये गन प्रति मिनट 600 राउंड फायरिंग करती है। इसका सेमी और फुली ऑटोमेटिक वर्जन भी उपलब्ध है। बंदूकों की AK सीरीज की दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली असॉल्ट राइफल है। इसका प्रयोग सेना, अर्धसैनिक बल, BSF, NSG और अन्य सशस्त्र बल करते हैं। नंबर फाइव, विध्वंसक एंटी मटीरियल राइफल। विध्वंसक एंटी मटीरियल एक स्वदेश निर्मित गन है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। इसका निर्माण ऑर्डिनेस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में किया जाता है। इसे दुश्मनों के बंकर, वाहन, रडार सिस्टम, संचार साधन और एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में किया जाता है। राइफल को मैगजीन फीड में किया जाता है और मैनुअल बोल्ट एक्शन के माध्यम से पुनः लोड किया जाता है। ये 1800 मीटर की रेंज तक कवर कर सकती है। नंबर सिक्स, ड्रैगनोव SVD 59 स्नाइपर राइफल। ड्रैगनोव SVD 59 स्नाइपर राइफल का एक मानक स्नाइपर राइफल है। इसका इस्तेमाल खतरनाक दुश्मनों को निपटाने में किया जाता है। इस सोवियत मूल की राइफल का पहली बार शीत युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस राइफल में 7.62x54mm का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 10 राउंड की मैगजीन लगती है। ये 800-900 मीटर के दायरे में दुश्मनों को निशाना बनाती है। इसे सशस्त्रों के आधुनिकीकरण करने के लिए सेना में शामिल किया गया है। नंबर सेवन, IMI गैलन 7.62 स्नाइपर राइफल। गैलन इसराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज IMI द्वारा निर्मित बंदूक है। इस गन में 7.62x51mm NATO कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 20 राउंड की मैगजीन लगती है। ये टैक्टिल सपोर्ट राइफल कैटेगरी का हथियार माना जाता है। इस गन का इस्तेमाल 25 से ज्यादा देशों की आर्मी में किया जाता है। खासकर भारतीय आर्मी में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर एट, माउजर SP-66 स्नाइपर राइफल।
माउजर SP-66 स्नाइपर राइफल जर्मनी में निर्मित गन है। बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। ये SP-66 का मॉडल आम नागरिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गन की ही तरह है। ये हंटिंग राइफल से मिलता जुलता है। ये 7.62x51mm NATO राउंड तक मार सकती है। ये 800 मीटर तक मार सकती है। भारतीय सेना और स्पेशल आर्म फोर्सेस इसका इस्तेमाल करती हैं। नंबर 9 SAF कार्बाइन 2A1 सब मशीन गन। इसे साइलेंस गन माना जाता है। फायरिंग के दौरान इसकी आवाज कम होती है। इसके बैरल में साइलेंसर लगा होता है। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वजन में काफी हल्की होती है और इससे ऑटोमेटिक फायरिंग किया जा सकता है। ये प्रति मिनट 150 राउंड की फायरिंग करती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए विशेष बलों द्वारा किया जाता है। भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो या मार्कोस SAF कार्बाइन 2A1 सब मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं। एंड नाउ नंबर 10 MSV हैवी मशीन गन। इस गन का मॉडल रूस में तैयार किया गया है और इसका निर्माण तिरुचिरापल्ली के आयुध कारखाने में किया जाता है। इसका हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 12.7x108mm कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने दुश्मनों को सटीक तरीके से निशाना बनाती है। ये जमीन से 1500 मीटर ऊपर उड़ रहे विमानों को निशाना बना सकता है। ये 700 से 800 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग कर सकती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।